अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा व परशुराम सेना पश्चिम बंगाल प्रदेश के नेतृत्व में आर एन मुखर्जी कोलकाता में हिंदी दिवस उत्सव के रूप में मनाया गया। सर्वप्रथम पंडित योगेश मिश्र ने गणेश व सरस्वती का मंत्रोच्चारण किया। तत्पश्चात बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन श्री सचिन त्रिपाठी उपाध्यक्ष बंगाल ने किया। हमारे भाई बंधु जो भी उपस्थित है सभी के लिए जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए बहुत लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मैं मंच के माध्यम से अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा परशुराम से इनके अलावा आनंद पांडे, अशोक पांडे, तारकेश्वर दुबे, राजा दुबे, वेंकटेश त्रिपाठी, डॉक्टर शालिग्राम शुक्ला, सतीश जलान सभी ने अपने और से यहाँ पे हमारे गुरुजन बैठे हुए हैं। मैं अशोक पांडे जी को नमन करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, आनंद पांडे जी को, वेंकटेश त्रिपाठी जी को, राजा बाबू अग्रवाल जी, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा जो यहां पर आकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इन सभी को सहयोग करते हैं। मैं उनके लिए भी चाहूंगा आप लोग तालियों से स्वागत करें। हमारे जितने भी अतिथि है, उमेश जी है, युवा शक्ति से वक्तव्य में कहा कि हिंदी का राष्ट्रीय सम्मान होना चाहिए। इसके लिए संपूर्ण राष्ट्र व भारत सरकार को सचेत होना होगा, क्योंकि आज संपूर्ण विश्व में हिंदी भाषा का सम्मान हो रहा है। सभी का स्वागत टीएन दुबे, बीएन पाठक, नीरज शुक्ला ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित थे शिवकांत दुबे, राजेश दुबे, घनश्याम मिश्र, सभाजीत शुक्ला, अंजनी रॉय, चंद्रदेव चौधरी, संजय पांडे, कैलाश उपाध्याय, चंचल दुबे, रविंद्र ठाकुर, अरुण मिश्र, बागेश मिश्र, प्रियंका तिवारी, नंदिनी और निकी रॉय। वहीं संतोष तिवारी जी ने मंच संचालन किया और परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुनील शुक्ला जी ने सभी को धन्यवाद ज्ञापन किया। की तरफ से यह हिंदी दिवस मनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकारी कार्यालय भारत सरकार की ओर से मनाना साथ में ये क्या है उससे भी ज्यादा इसलिए महत्वपूर्ण है कि सलाह करते हैं सभी।
इस सभा को करने का कारण निर्देश देते हैं, मैंने क्या कारण है इस सभा करने का? नहीं, हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग समाज और राष्ट्र के लिए काम करने वाले, हम लोग कभी ये नहीं कहा कि हमें नौकरी दीजिए, हमें कुछ ऐसा काम दीजिए। हम लोग का मेन उद्देश्य है कि हमारा भारत देश विश्व गुरु बने, ये हम ब्राह्मण, हर ब्राह्मण का यही सोच है। इसी उद्देश्य से हमारा परशुराम सेना और अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज सेवा समाज में कार्य कर रही है। राष्ट्रभाषा बनाने का सबसे बड़ा मकसद होता है, क्योंकि हिंदी का सबसे पहला अक्षर जो होता है वो ह से आता है। भारत आध्यात्म का केंद्र है, यहाँ आध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी का पहला अक्षर ह से शुरू होता है, और ह से शुरू होने का मतलब होता है ह से हाँ भी होता है, और जहाँ हाँ हो जाता है वहाँ सारे विघ्न कट जाते हैं। इससे पता चलता है कि ह में भगवान गणेश जी का आगमन हो जाता है।